अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन, वी यू ऑल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल ASMR चैनल। सो जनाब कैसे हैं आप सब, ठीक है। आज जो है ना, हमने सुबह जो है ना वीडियोस कोई रिकॉर्ड नहीं की। कल जो वीडियोस रिकॉर्ड की थी उनमें से कुछ वीडियोस मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, कुछ जो है वो आज करनी है। और रात को आई है बारिश, ठीक है जनाब। तो बारिश की वजह से जो है ना फिर मैं सुबह नहीं आई। मैंने कहा कि यार अब शीट्स उठाऊँ जाके, किस टाइम जा कर उठाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो मेरा दिल ही नहीं किया आज फिर आने को। खैर अभी हम जो है ना आ चुके हैं अपनी छत पे। यहाँ पे देखे थोड़ा सा क्लीनिंग हो रहा है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, साथ क्रमलिंग कर देती हूँ। मम्मा आप कुछ और कर लें, मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, ठीक है। चले पासे पासे हो। यहाँ पे मम्मा ने टेक्सचर समेट दिया है, और यहाँ पे ये वाला टेक्सचर जो है ना, ये देखें, ये वो वाला टेक्सचर है जो मैंने कहा था ना, जो मुझे आप लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर के बाहर खजाना, तुम्हारी तो आंखें चमकती होंगी। बिल्कुल मेरा तो दिल ही नहीं भरता, ये देखें, ठीक है। वो देखें, ये बहुत मज़ेदार टेक्सचर है जो भी है। चले थोड़ी सी हम क्लीनिंग कर लेते हैं आप लोगों के लिए, इस ब्रश से करते हैं क्योंकि ये ब्रश ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है और साउंड भी इरीटेटिंग नहीं होता। मैं यहाँ पे पानी गिराओ थोड़ा, ये ना डस्ट उड़ उड़ के वापस जा रही है। यहाँ पे सारा का सारा जो है ना अरेंजमेंट्स हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे टेक्सचर्स मम्मा ने समेटे हैं। वो टाइल्स ले आऊं? हाँ जी, इनके आगे आगे बंदा लगा। हाँ जी, लाओ नहीं कहते अभी, नहीं अभी रुक जाए। वो वाकई फायदेमंद है, जितनी भी है ना सारी राम स्कूल से इनके आगे लगी होंगी ना, टेक्सचर नीचे नहीं गिरता। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ले आएंगे, शाम को ले लेंगे। चलिए उठाऊं। हमारे ना घर के बाहर ना टाइल्स हैं जो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि इसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं, और वो हम लोग वो हमारे घर के बाहर छोड़ गए हैं, क्योंकि हमारे घर जो है ना वो पानी शानी मंगवाते रहे हैं सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि शेर जो है ना कुछ नहीं कहेंगे, इनके घर के बाहर लग जाते हैं, अब हमारा तो काम हो गया है। यहाँ पे जो है ना इसी तरह से ही होता है, और मेरे काम की है, मैं टेक्सचर समेट लेती हूँ उनसे, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना जो वेस्ट होती है ना वो बाहर रख जाती है। लाइक अब उन्होंने कोई भी मतलब कि कोई चीज़ है ना, लाइक पत्थर है या कुछ भी है, तो वो फिर रख जाते हैं कि अगर किसी को किसी ने यूज़ करना होगा तो वो यहीं से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, यहाँ पे ये नहीं होता कि घरों में संभाल के रखो या ये वो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ वो बाहर रख जाते हैं जो उनके काम की नहीं होती। और हाँ, मुझे रेडेट की बहन ने बताया था ना आप लोगों को कि मैंने यहाँ से रेडेट भी लेनी है, तो मैंने रेडेट ली थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके कौन से काम के, उनको क्या पता कि हमने रेडेट का क्या करना है क्या नहीं। तो ये काम जो है ना हमें ही पता है, और हम लोग ही जो है ना ये रेडेट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फिर वो रेडेट जो है ना अपने घर के बाहर से, ये देखें सारा का सारा फट गया है। मम्मा ये वाला पता है किस में डालना है, ये जो प्योर हमारी रेडेट है ना उसमें शिफ्ट करके डालना है, क्योंकि ये बिल्कुल रिच कलर है, ये वेस्ट नहीं है। ये सैग वाला, ये भी सैग फट गया है, वो भी फटा हुआ है, उसमें सारे ये ना अच्छे से शिफ्ट करके फिर होगा, ऐसे नहीं। ये देखो हेलो पूड़ियाँ उड़ के आ गई हैं जैसे, यहाँ से सारी सफाई करते हैं। ये मड वाला सेक्शन याद करें, जब पिछले वर्ल्ड प्लेस पे मड वाला सेक्शन आता था, वहाँ पे कितनी डस्ट उड़ती थी और इतनी ज़्यादा मड होती थी ना वहाँ पे जो फ्लोर पे होती थी। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि यार मेरी मड ना ज़ाया हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हो जाती है, क्योंकि हवा वगैरह जब चलती है ना। ये वाला डर्ट वाला टेक्सचर भी मैंने क्रम्बल करना है, अभी करते हैं सारा का सारा, इसको शेव भी करते हैं थोड़ा सा। जो थोड़ी ज़्यादा ही वेस्ट लग रही है ना उसको मैं आगे आगे करती जा रही हूँ, सारे फेंक देना। हाँ ना, फायदा वाकई कोई नहीं। ये मम्मा रेडेट उठा के लेके जा रही है। मम्मा ये बेशक उधर ही ले जाती, वो रेडेट का टेक्सचर बन जाना था उधर ही ले जाऊं। हाँ क्योंकि ये वहाँ पर ना टेक्सचर बन जाएगा, सब कहते हैं इसको बढ़ाओ इसको बढ़ाओ,
और अब पीसने से मैं रही। और ये इतना प्यारा टेक्सचर है, ये सारे फ्लोर्स पे बना के ना टाइल्स इनके पास रख देनी है, जब भी मौसम खराब उनके ऊपर रखा और शीट दे दी, बस सीधी साफ बात है। की करिए हूँ अब, कहाँ कहाँ से इतनी स्लैपे लेकर आऊँ मैं। अब थोड़ी सी इसके साथ करूँ, ये ना डस्ट कितनी उड़ाता है, बस मज़ा आता है इससे भी करने का, ये ना जल्दी कर देता है। ये वाला टेक्सचर अच्छा, मुझसे ये पूछ रहे थे ना आप लोग सारे कि ये टेक्सचर कौन सा है, ये न्यू टेक्सचर है जनाब चिप्स पाउडर और ज़ीरो साइज कंक्रीट का, ठीक है। ये मम्मा ने बनाया था और ये मम्मा ने जो है ना, मम्मा कहती थी कि आप वहाँ पे फालतू पड़ा रखा हुआ है, तुम कुछ करती भी नहीं हो, मैंने बना देना। मैंने कहा चले बना दीजिएगा, तो अब मम्मा ने वो बना दिए, मम्मा ने अपने लिए बनाया था। मैं इसकी क्रम्बलिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें ऐसे है जैसे आटा नहीं होता, आटे की ढीली होती है ना वो लगती है, ये इसमें करते हैं क्योंकि रात को फिर मैंने इसमें ही इसका पाउडर डाल दिया था। ये मरियम ने और मुंतहा ने बड़ी चाह से ये टेक्सचर बनाया था, मैंने बचा लिया, मैंने कहा बारिश से ख़राब हो जाएगा। ये लाइट पीची पीची कलर सा है, बड़ा प्यारा कलर है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इतना सॉफ्ट टेक्सचर है। चलो यहाँ से ना उठा लूँगी ये टेक्सचर जो भी है ना, बाकी आगे आगे चलते हैं। ये देखें क्लीनिंग ब्लॉक कहते हो आप लोगों को, बड़ी अच्छी लगती है क्लीनिंग, सो व्हाई नॉट हम क्लीनिंग ब्लॉक ही थोड़े वास्ते बना लेते हैं, साथ साथ क्रम्बलिंग भी करेंगे, ठीक है। जो जो टेक्सचर के पास जाएंगे ना, अच्छा ये वाला टेक्सचर इसमें रेड है स्टोन्स, तो इसको हमने करना है जी क्रश, बट नॉट येट, ठीक है। ऐसे ही है ना, सही बोला ना मैंने, कमेंट करके बताइएगा सही बोला है कि नहीं, या नॉट नाउ क्या कहते हैं। ये वाला हिस्सा सारा साफ कर देती हूँ बस, वहाँ से फिर से कर लूँगी काम करते करते। यहाँ पे आते हैं तो चलें ग्रे कलर की भी क्रम्बलिंग कर देते हैं। इसकी मैं रोज़ सोचती वीडियो बनाऊँगी, थोड़ा सा टेक्सचर रोज़ सोचती हूँ। गाची क्या होती है, गाची मैं बताती हूँ आपको। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना जो फेस मास्क, ठीक है, होते हैं उनमें यूज़ होती है मुल्तानी मिट्टी, इसी तरह एक ग्रीन कलर का जो ग्रीन मास्क या ग्रे क्ले जो होती है ना, वो ये गाची होती है, ठीक है। तो ये जो है ना मोस्टली यहाँ से लाहौर से, तो पाकिस्तान से तो मे भी कई जगहों से ना मिले, लेकिन मिल जाती है। इंडिया में मैंने सुना है कि नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन वहाँ पे इसका शायद नाम चेंज है, नटमेक इस तरह करके, क्या नटमेक जो भी नेम है, जो ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ग्रे कलर का रोस्टेड ग्रे कलर की होती है वो है शायद। बारिश सर मम्मा, अच्छा मैं खोलती हूँ, मैं खोलती हूँ, मम्मा बैठी हैं इसलिए कह रही हैं कि खोल। बारिश एक मिनट बस, कौन आया? बेला आया, हमारी बेला, मेरा बेला काका आ गया। बेला ने आज लिया है शावर और बेला ऊपर आ गई है, रोज रात को इतने आराम से ऊपर आ जाती है। मम्मा जी वारिस ना करो, वारिस उसके बाल ये देखो कहाँ कहाँ से उड़ उड़ के जा रहे हैं, चेक करो ये देखो, ये आया बाल किधर गए। चलो यहाँ से भी सफाई करते हैं, ये सारी मड लग गई है नीचे। यार एक हाँ मुझे ना एक बात डिस्कस करनी थी, वो ये करनी थी आप लोगों के साथ कि
मेरे साथ ना एक ASMR आर्टिस्ट नहीं कहूँगी मैं उसको, मैं यही कहूँगी कि ना उन्होंने अपना कोई चैनल बनाया था, उस पर उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई पहले, ठीक है, और वीडियोस बनाने के बाद फिर उनसे जब मेहनत नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वीडियोस जो है ना दूसरों की वीडियो स्टील कर करके अपने चैनल पर डालनी शुरू कर दी, या कह लो कि उधर से कॉपी कर करके अपने चैनल पर डालना शुरू कर दी, और डाली भी उनकी के जो हमारी मतलब के सीनियर थी, ठीक है, सीनियर ASMR आर्टिस्ट, मैं नेम नहीं लूँगी उस बंदी का भी, ठीक है। तो जनाब फिर क्या हुआ जी, फिर उनके आपको पता है उन्होंने कितनी दफ़ा व्लॉग बनाया, हर मोस्टली हर ASMR ने जो है ना इस पर व्लॉग बनाया है, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने भी कहा था कि यार इस तरह से मेरी वीडियोस को कोई ना ले, ये वो ना जो भी है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने तो कहना ही छोड़ दिया अब, क्योंकि लोग जो है ना वो बाज़ नहीं आते, लेकिन कुछ लोग बाज़ आ गए, मेरी वीडियोस मोस्टली लोग कम ही डालते हैं, क्योंकि मैं जो है ना बोल देती हूँ कि भाई कॉपीराइट आ जाएगा फिर बैठे रहना, शायद उन्होंने भी बोला था कि भाई कॉपीराइट होगा या जो भी है, इतनी दफ़ा तो उन्होंने ब्लॉग में बोल दिया, लेकिन फिर उन ASMR आर्टिस्ट जो सीनियर थी उन्होंने क्या किया, फिर जनाब कॉपीराइट स्ट्रीक भेज दिया उनको, ठीक है, जितनी उन्होंने वीडियोस उनकी डाली थी सब पे स्ट्रीक भेजी है कॉपीराइट, और फिर उनका चैनल जो है ना वो डिटर्मिनेट क्या कह लो कि स्ट्रक हो गया है, वो डिलीट ही कर दिया यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब ने। अब आप लोग बताएं इसमें गलती किस बंदी की है। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आपकी सबसे बड़ी गलती, कि उन्होंने ये गिला किया कि आप कह दें उनको कि मेरी अपने कॉपीराइट स्ट्रीक वापस ले लें, मेरी इतनी मेहनत है। मैंने कहा आप, आपको एहसास हो रहा है कि एक बंदे की मेहनत इतनी ज़्यादा हो, ठीक है, और आप उसकी मेहनत को ले कर, मैं जो है ना मैं उनके हक में यही बोली, मैंने कहा देखो उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया, सारा कुछ किया, और तुमने जो है ना ये सोचा कि भाई हाँ हम कर लेंगे या ठीक है हो जाएगा, मैं करके तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, तो आपने ऐसे किया। मैंने कहा अगर आपसे नहीं होता या आपकी फैमिली परमिशन नहीं देती तो आप इस तरह से तो नहीं ना करें, ठीक है। बेला तू गंदी हो जाएगी, यहाँ से उठ जा, मेरा काका उठ जा यहाँ से। तो फिर उन्होंने मतलब कि मैंने उनको फिर काफ़ी समझाया प्यार से, मैंने कहा देखें ये गलती है आपकी, अब या तो आप ये कर सकती हैं कि आप दोबारा से चैनल बनाएं, ठीक है, या जो भी है, अगर नहीं बना सकती तो आप फिर जो है ना सब्र करें। अब मैं उनको नहीं कहूँगी क्योंकि वो उनका राइट था, उन्होंने कॉपीराइट भेज दी है, ये हमारा राइट होता है। और ये चीज़ मैंने आप सभी को बोलनी है कि जो जो भी ASMR आर्टिस्ट की वीडियोस जो हैं, वो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी मुझे लगता है जो कि ना ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें कमेंट वगैरह नहीं करते, हमें देखते हैं और फिर हमारी वीडियोस को लेकर तो वहाँ पे लगा देते हैं। तो आप सभी से जो है ना यही कहूँगी कि जिस दिन कॉपीराइट तानू वज्जा ना तो तानू लग पते जाने ने, ठीक है, फिर तुम ना अगे दे ना पिछे दे, और जितनी तुम लोगों ने इतनी मेहनत की होती है ना, एडिटिंग बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ, ठीक है। प्रॉपर क्रेडिट किसी को भी नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा, जो काम कर रहा है ना उसको क्रेडिट खुद ही मिल जाएगा, जाहिरी बात है हम अपना काम करें हमने खुद ही क्रेडिट लेना है। अब आप लोगों को नहीं कहा कि आप लोग हमें क्रेडिट दें, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि तुहानू भी स्ट्रिका वजन, ठीक है, कॉपीराइट वजन, तो इससे अच्छा आप खुद ही बाहर आ जाओ, ठीक है, मेहनत खुद या कर लो या फिर आप लोग कोई और काम कर लो, ये काम ना करो जब कोई एक बंदा परमिशन ही नहीं दे रहा, ठीक है। इजाज़त के बगैर आप लोग किसी की भी वीडियोस जो है ना वो डालना शुरू कर देते हो। मैंने ये भी एक चैनल देखा, उसके ऊपर मेरी वीडियो का एक शॉर्ट, दो शॉर्ट थे कि एक शॉर्ट था, उन्होंने 3-4 ASMR आर्टिस्ट की वीडियोस के शॉर्ट्स लेकर डाले हुए थे। और ये याद रखिएगा कि जब कॉपीराइट लगना होता है ना तो वो शॉर्ट पर भी लग जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो हम लोग वहाँ पर जो है ना मेंशन करते हैं कि ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बंदे ने हमारी ये वाली ओरिजिनल वीडियो डाली है, ठीक है, साथ ओरिजिनल वीडियो भेज देते हैं कि ये हमारी वीडियो है और ये हमने डाली है साथ, ठीक है, और इसने इस बंदे ने ये डाली हुई है, तो यहाँ पे कॉपीराइट भेजे, और वो फिर जो है ना कॉपीराइट लग ही जाता है। मैंने 2 या 3 दफ़ा, बिलीव मी, मैंने 2 या 3 दफ़ा कॉपीराइट बेचते बेचते जो है ना वो अपना हाथ रोका कि यार मैं इनको कह देती हूँ, ठीक है, अगर बाज आ जाती ठीक है, नहीं आएंगी तो फिर मैं भेजूँगी। मैंने 3 या 4 दफ़ा, मुझे होता है कि यार एक बंदा इतनी मेहनत से कर रहा है तो मुझे एहसास हो जाता है, लेकिन आवाम को नहीं एहसास होता, आवाम कहती है कि नहीं सानू पक्की पकाई मिल जाए वो सही है, आप ना पकानी पवे, ठीक है, तो आप पका लोगे वो बहुत ही स्वादी लगती है पक्की पकाई च, हूँ तुहानू नहीं पता कि तुहानू बाद चो उन्हें हजम होना भी है कि नहीं होना, ठीक है। तो सभी ASMR आर्टिस्ट को यही कहूँगी कि हूँ
दिल खोल के स्ट्रिका भेजो सबन, ठीक है? जो नई बाज आते हैं ना, जो जो आपकी वीडियोस को स्टील कर रहे हैं, आपकी वीडियोस को लगा रहे हैं अपने चैनल पर, तो आप लोग चुप करके बगैर किसी को जो है ना वो कहे आप लोग भेज दो, ठीक है? क्योंकि ये अवाम बाज नहीं आने वाली, और आप लोग कह कह के थक जाओगे, और इनको लगेगा शायद ऐसा नहीं होगा या नहीं होती। कॉपीराइट लगता ही लगता है, ऐ ना सोचो कि नहीं लगता, ठीक है? मैंने अपनी जब कॉपीराइट का वो क्या उसको कहते हैं पेज ऑन किया, तो देखा मैंने कितनी वीडियोस थी जो मेरी मतलब के ना आई थी कि ये वीडियोस मेरी लगी हुई हैं, इन चैनलों ने लगाई हुई है। प्रॉपर चैनल का नेम आता है, ठीक है? वहाँ पे YT स्टूडियो में जाओ सेटिंग में, तो वहाँ पे आ जाता है। अगर नहीं किसी को पता तो मैं लिंक भेज दूँगी कैसे स्ट्रीक भेजते हैं, कॉपीराइट कैसे भेजते हैं, तो वो वहाँ से उसको कॉपीराइट भेज सकता है, ठीक है? मैंने देखा है कितनी ऐसा मराठी बेचारी तरले ले रही होती है कि भाई हमारी इतनी मेहनत, हमारी इतनी मेहनत, और बिलीव में वाकई इतनी मेहनत होती है, और आवाम को जो है शर्म ही नहीं है, हया ही नहीं है। ज़मीर पता नहीं कैसे इनका गवारा कर जाता है ये काम करने को, जो काम खुद नहीं होता इनसे फिर वो दूसरों का ले लेके तो करते हैं। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, ये मैंने साथ ही मिक्स कर दिया है, ये छत वाला टेक्सचर और ये वाला टेक्सचर। तो करते हैं व्लॉग का यही पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हाँ मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप लोग जो है ना, अब किसी को नहीं कहिएगा कि आपने ये वीडियो क्यों डाली है, आपने ये क्यों वीडियो डाली है, ठीक है? आप लोग बस जो है ना उसको कॉपीराइट भेजें, ठीक है? उसका चैनल बंद होता है, हो जाए। और मैं भी यही कहूँगी कि जो भी मुझे सुन रहा है, मेरी अगर कोई वीडियो डालता है या शॉर्ट डालता है, तो मैंने अब नाम नहीं लेना या रिक्वेस्ट नहीं करनी। मैंने 3-4 दफ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने उन सबको जा के एक ही बात कही है कि ये चीज़ ना करें, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अब नहीं होगा, अब हम सीधी कॉपीराइट ही भेजेंगे, क्योंकि कॉपीराइट ही एक जो है ना इनके लिए हल है, इनका हल है और कुछ नहीं है। कॉपीराइट कैसे भेजते हैं वो भी मैं जो है ना एक लिंक है वो भेज दूंगी, अगर किसी को चाहिए होगा या किसी ऐसा हमारा आर्टिस्ट को चाहिए होगा काइंडली वो मुझे जो है ना कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैंने जो है ना वो कॉपीराइट फ्रीक वाला लिंक जो है ना आप लोगों को भी भेज दूंगी। ईजी है, आराम सुकून से कॉपीराइट लग जाता है, और मैंने लगाया भी है 2-3 को, ठीक है? तो लेट्स सी अब क्या होता है, कौन बात आता है कौन नहीं। जिन्हें चैनल है ना सारे दी, आप सब सब्सक्राइबर्स की ये ड्यूटी है, जिन्हें एडिट चैनल लभन सारे दे लभ लभ के लिंक भेज जाओ, ठीक है? कॉपीराइट पाना साडा काम है, जिसका जिसकी वीडियो नज़र आए उसको भेज दो कि ये आपकी वीडियो डाली हुई है, और फिर आगे से उनका काम है कि कॉपीराइट भेजना। चले व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।